वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज पता है आप जैसे कि पता है आप लोग हमें आए हैं नानी के यहाँ उन्नाव जिला अपने नानी ननिहाल में आए हैं। यहाँ पे ये जिस स्थल पे आए हैं इसे हरदेवन कहते हैं। एक टाइम था यहाँ पे कुछ नहीं था, एक छोटी सी चौधरिया थी, यहाँ पे एक कमरा बना हुआ था, यहाँ पर रामायण होती थी, भंडारा वगैरह होता था। आज बहुत दिनों बाद यहाँ आए हैं तो यहाँ पर मतलब पूरा देख लीजिए अच्छा खासा डेवलप हो गया है। यहाँ पे चार बाबा लोग रहते भी हैं, हमारे रिलेटिव ही हैं, और यहाँ देखिए तो बन गया है ये दंतोदरिया बन गया। इधर रूम था, पहले अकेले एक रूम था, अब रूम बन गया है, पूरा छप्पा भी पड़ गया, इधर पूरे पेड़ पौधे लग गए, गुलाब गुलाब पेड़ है जिसमें फूल नहीं लगे हुए हैं, इधर गुलाब ये गुड़हल है और ये कपास कपास रूई वाला पेड़ है, कपास सारे पेड़ लग रहे हैं। अच्छा लगता है यहाँ से, आप दोपहर में जो गाँव होता है दोपहर में आप यहाँ आके बैठो, हवा चलती है, पेड़ों के नीचे बैठो, काफ़ी मज़ा आता है, सुकून शांति का माहौल रहता है, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, कोई ट्रैफिक नहीं, और ये हम बहुत शांतिमय माहौल रहता है। यहाँ पे अमरूद के भी पेड़ लग गए, अभी हाल ही में सब कुछ सिस्टम शुरू हुआ, देखो तो ये सब अभी पेड़ लगाए गए हैं। इधर देख लीजिए ये भी अभी ये पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पर रामायण होती थी तो यहाँ पर सब सामान भंडारा रामायण वगैरह होती थी, यहाँ पर सब रामायण होती थी और वो उधर कमरा रूम रहता था सिर्फ, तो वहाँ पर सारी सामान वामान रख दी जाती थी। ये मंदिर वंदिर बना, ये कुआँ है हमारे नानी के यहाँ, अभी भी मतलब हर मोहल्ले में तुमको एक कुआँ मिल जाएगा, और ऐसा नहीं कि सूखा कुआँ, हर कुएँ में पानी जरूर मिलेगा, देखो इस कुएँ में भी पानी है क्योंकि हमारे नानी के यहाँ से गंगा का किनारा बहुत पास पड़ता है, बहुत पास में पानी लेती है, तो कितने पास में, यहाँ से हमारे नानी के घर मतलब ये गंगा, ये इधर था गंगा जी हैं, इधर ये है, तो पानी का स्तर बहुत नहीं रहता है। देखो बाल्टी भी रखती है, इसी बाल्टी से डाल के मतलब बाल्टी को डाल के पानी निकाला जाता है हमेशा। हाँ यहाँ पे पाइप, देखो एक चीज़ दिखाएं, देखो कितना छोटा सा पेड़ है और अंबियाँ लगी हुई हैं कितनी छोटी छोटी। अभी तक हम लोग मतलब इस सीज़न में कहीं अंबियाँ अभी नहीं मिली हैं, बट यहाँ पे आए यहाँ पे मिली है। देखो लेटरिन बाथरूम भी बना हुआ है, लोग जंगल में रहते हैं तो सोचते हैं क्या ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों की। देखो मोदी जी के फुल समर्थक हैं हमारे नाना जी, देखो जंगल में होने के बावजूद भी, ये देखो ये नींबू का पेड़ भाई, लखपति पेड़ नींबू का पेड़ है, बट नींबू लगे नहीं है, बाकी नींबू का पेड़ है भाई, अभी लगे होते हैं अरबपति होते हैं हम लोग, इसे तीन चार नींबू तोड़ के देखो उधर मार लो, ये मंदिर बन गया, पहले ये मंदिर नहीं था, अभी हाल ही में मंदिर बना। ये देखो यहाँ पे पैनल लगा हुआ है, लाइट का सिस्टम यही है यहाँ पे, ये लाइट है, इसी से पूरे यहाँ की पूरी सप्लाई इसी लाइट से चलती है। ये इधर देखो यही लाइट उधर कनेक्शन गया हुआ है, यही पैनल, और ये भगवान का स्थल है। ये अभी दो साल पहले जब भयानक कोरोना काल का वो चल रहा था तब ये बस मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब यहाँ पे आप लोग आए सुबह से एकदम पिकनिक विकनिक मनाने के तरीके यहाँ पे आओ आराम से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बाबा लोग हैं ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं है, यहाँ घूमते रहो। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, अभी आपको आगे चलते घूमते हैं, दिखाते चलते अपने नानी के यहाँ के मैं जहाँ जहाँ मस्ती करते थे वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, चलते फिर मिलते हैं आपसे आगे। भाई साहब ये है हमारे नानी के गांव का, यहाँ मतलब गांव में एक तालाब होता है दो तालाब होता है, नानी के गाँव में अनगिनत तालाब है, हर छोर पर तालाब, एक देखिए ये तालाब है। ठीक है अभी आगे चल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको एक तालाब मिलेगा, ठीक है, और एक गांव स्टार्ट होते ही वहाँ पे भी तालाब मिलेगा, और इन सारे तालाबों का नाम है अलग अलग, हम नाम नहीं याद है, सचिन आया नहीं, नहीं सचिन चला गया नहीं, वो होता तो बताता सारी चीज़ें। भाई यहाँ पे हम लोग बचपन घूमे हैं, मतलब फुल टू मस्ती, आम आम तोड़ने आते थे, आम को जो पना होता है ना, पना ना बनने का कभी कोई प्लानिंग नहीं होती थी, दोपहर में सब लड़के रहते थे, बहुत सारे जैसे सौरभ हो गया, अक्कू, इंदर, सचिन, शिवम मामा और हम और सब शुभम भैया और भी चंदन लड़के हो जाते थे, तो भाई ग्रुप हो जाता था पूरा लड़कों का, फिर जो लेवल की हाँ मस्ती होती थी अलग लेवल की मस्ती होती थी,
बहुत मजे किए हम लोगों ने। ये नानी का गाँव है, नानी गाँव हम लोग बहुत मजे किए। ये हमारे जैनू भैया के बाग है, यहाँ पे भी आए आए हैं हम लोग बहुत बार। यहाँ पे बेल का पेड़ है, बेल लेने आते थे यहाँ पे, साथ सूख गया है। और ये आगे इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं वे, क्या बोला जाता है, ये मैदान जो दिख रहा है भाई, ये मैदान है। यहाँ पे हम लोगों ने मैच वैच बहुत खेले हैं छोटे में भाई, ज़्यादा बड़ा, देखो छोटे छोटे बच्चे होते थे, ज़्यादा बड़ा मैदान की ज़रूरत रहती नहीं थी। हाँ, ज़्यादा बड़े मैदान की ज़रूरत रहती नहीं थी, छोटे से ही मैदान में हम लोग दोपहर को आ जा, शाम को 4 बजे से आ जाते थे भाई, 3 बजे से आ जाते थे, रात में 7 बजे तक खेल रहे हैं, खेलते हैं। डांट पड़ती थी भाई, डांट तो बहुत खाया हम लोगों, नानी के यहाँ आने के लिए डांट बहुत खाया हमने, रोया रोए बहुत है, क्योंकि नानी बेस्ट फेवरेट प्लेस रहता था हमारा ये। यहाँ पे आने के लिए एक, लोग कहते ना एक टांग से तैयार रहना, तो यहाँ से पे आने के लिए हम एक टांग से हमेशा ही तैयार रहते थे। अब तो फिर भी एक दिन से ज़्यादा आओ तो बोरियत हो जाती, क्योंकि सब लोग चले गए, तो कुछ सब लोग चले गए, सिर्फ एक ही दो लोग बचे, जैसे सचिन बचा है, बस सचिन ही बचा, बाकी सब चले गए। सचिन घर पे थोड़ा घर के ही काम में बिजी रहता, बाकी सब चले गए। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मैच खेला बहुत। ये अब तार वार लग गया है, पहले यहाँ तार वार नहीं था, तो वहाँ से यहाँ तक पूरा मैदान रहता था। आओ खेलो मस्ती करो, उधर साइड भी एक मैदान है, वहाँ पे भी। अभी आपको सचिन का घर दिखाते हैं, जो मीटिंग ऑफिस होता था ना हम लोगों का ऑफिस, वो है सचिन का घर, अभी वो दिखाते हैं। अब सचिन लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, नहीं पहले यहीं पे दिख रहता था, आपको दिखाएंगे वो घर भी। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, बहुत कांड भी किए हैं वहाँ पर हम लोगों ने। हम लोग आ गए हैं कुलवागारस गांव में, ये हमारे कुल्याण माई का घर है, ये सामने यहाँ भाभी रही थी, ये एक रुक रुक रुक, ये है सचिन भाई का घर। यहाँ अब तो कुछ नहीं बचा है, पहले यहाँ पे सब कुछ था, पूरा घर था। यहाँ पे नीम का पेड़ भी था, अब तो यहाँ पे देखो नीम के पेड़ की जड़ें दिख रही हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, बस जड़े ही जड़े बची हुई, देखो जड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है। नहीं पूरा पहले ये इधर यहाँ से घर स्टार्ट होता था, पीछे तक रहता था। अभी आपको चल के दिखाते हैं भाई साहब, यहाँ पे हम लोगों ने इतनी मस्ती की है, इतनी मस्ती की है, मतलब हमको तो खुद नहीं याद है हम लोगों ने कितनी मस्ती करी है। यहाँ से इस घर के दो रास्ते थे, एक इधर का रास्ता था और एक पीछे से रास्ता था। तो पीछे उधर से आना रहता था, उधर साइड से, उधर से आओ और पीछे से घूम के भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे किचन रहता था ना मामी का, ये किचन था, अब टूट गया, नहीं पहले यहाँ पे चारपाई था, सब बहुत मस्त हो रही थी, अब दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ पे मामी के संदूक रखी रहती थी, और भाई बहुत मजे आते थे। यहाँ से पूरा पीछे सीधा सीधे रास्ता रहता था भाई। ये हम लोग जो छिपन छिपाई गांव वाली भाषा में बोले लुक्की चोर, और शहर वाली भाषा में बोले छिपन छिपाई। ये गुलरी का पेड़, ये देखो यहाँ पहले नींबू का पेड़ रहता था, पहले यहाँ पे और भी सारे पेड़ थे, फिर यहाँ पूरा फिर पीछे हो गया। ये देखो ये वो गुलरी का पेड़ है, अब तो कुछ बचा ही नहीं पहले तो पेड़ सब लगता था, तो इसके जो छिपन छिपाई खेलो तो इसके बीच में घुस जाते थे, ये तो बहुत कम हो गया, इसमें बीच में घुस जाओ इधर से भी। यहाँ पे इसके घुस के बैठ जाते थे हम लोग भाई साहब, इसके भी जो घुस के बैठ जाओ, इधर से छोटे छोटे थे, तो बहुत लंबे हो गए। देखो इधर से निकल के चले जाओ, इधर से भी निकलने का रास्ता था, इधर से नहीं निकल पाते, दो रास्ते थे, छुप के बैठ जाओ, कोई लेना देना नहीं, ऊपर देखो भाई डरावना देखो। ये हम लोगों का मतलब जेन्युइन छोटे में बहुत, यहाँ पे बैठ के लिया नमकीन बहुत खाई है। यहाँ पे नींबू का पेड़ होता था, ये काफ़ी ऊंचा रहता था, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, बांसकोटी सूख गई, पहले यहाँ पे बांसकोटी थी, यहाँ पे बांसकोटी थी, बहुत सब कुछ था यहाँ। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जब से सचिन मतलब शिवदत्त मामा लोग उधर शिफ्ट हुए, तब से यहाँ पे सब धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। देखो बताया था ना तालाब बहुत है, ये देखो एक पीछे तालाब ये है, एक उधर साइड है, मतलब यहाँ अनगिनत तालाब, उधर साइड भी है, उधर साइड भी नानी के पीछे तरफ गाँव की तरफ चले जाओ उधर भी तालाब, और ये तालाब यहाँ से वो दूसरे जो पीछे दूसरा गांव पड़ता है वहाँ तक है तालाब, छोटा तालाब में बहुत बड़ा तालाब, कुछ फूल वूल लगे रहते हैं। ये यहाँ कनेर का पेड़ था, ये क्या होता है नागफनी बोलते हैं, नागफनी पहले पूरे यहाँ से स्टार्ट होता था, वहाँ से पेड़ यहाँ लगे रहते थे, जीव को ये गाय भैंसी ना आ जाए, यहाँ कुछ
पिछले यहाँ इस टाइम चलता था भाई, बहुत मस्ती करी हम लोगों ने यहाँ पे नानी के यहाँ पे। इस सूरत मामा के घर में जितनी मस्ती करी है उतनी मस्ती हम लोगों ने कभी किसी घर में नहीं करी। सूरत मामा के घर मतलब फ्रेंड ऑफिस रहता था, पूरा बच्चा पार्टी आके यहाँ पे मीटिंग होती थी यहाँ सूरत मामा के घर और मणिकांत भैया के घर, वहाँ पे आके पूरी मीटिंग होती थी और यहाँ पे पूरे खिलवाड़ होते थे। मीटिंग जैसे ऑफिस में रिटर्न में नहीं लिखा जाता कि क्या क्या होना, वो सारा मणिकांत भैया क्या होता था, उसके बाद पूरी बच्चा पार्टी आके यहाँ पे प्रैक्टिकल होता था, कुछ खेलना है, कुछ बनाना है, कुछ खाना, सब ये है पूरा। तो सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, कोई कहीं शुभम भैया जो है वो गुजरात में रहता है, गुजरात में है, और सौरभ भाई अपना टीचर हो गया, इंदर लक्कू भी अपना अलग अलग शिफ्ट हो गया, शिवम मामा है वो भी कहाँ, शिवम मामा कहाँ है, अबे शिवम कहाँ है, लुधियाने में है, हाँ अबे तो है, सब लुधियाने में शिफ्ट हो गए, तो सब लोग बिजी हो गए। ये देखो दूसरा रास्ता, इस घर आने का दूसरा रास्ता, और अब तो दिवाली वाली बन गई, नहीं तो पहले दिवाली वाली नहीं थी, आराम से जेन्युइन आओ जाओ कोई मतलब नहीं रहता था। ये है मणिकांत भैया, ये हम लोगों का मीटिंग यहाँ पे होती थी कि क्या करना है, यहाँ मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वहाँ प्रैक्टिकल होता था। यहाँ इस घर में हम लोगों ने बहुत एक एक घंटे तीन तीन घंटे भी बिताए, मतलब पूरी दोपहर हम लोग यहीं यहाँ पे और सुबह मेरे घर में बीतती थी। बहुत यादें हैं इस यहाँ से नानी गाँव की, इतनी यादें हैं कि बताएँगे तो घंटे का मतलब ब्लॉग दो तीन घंटे का बन जाएगा, इतनी याद है यहाँ। चले फिर मिलते हैं आगे। ये मंदिर जो है, इस मंदिर में वो जो एक खेल होता पकड़म पकड़ाई, ऊंचा खल्ला जो होता है, कुछ बच्चे नीचे रहते कुछ बच्चे ऊपर रहते, फिर ऊंचा खल्ला पकड़म पकड़ाई एक खेल होता, छुप छुप चलनी व घर बढ़नी, वो खेल भी हम लोगों ने इस यहाँ पे बहुत खेला। बस इस रास्ते में क्रिकेट जो होता है क्रिकेट भी बहुत खेला, मतलब यहाँ पे इतनी यादें हम लोगों की, इतनी यादें कि हम लोग बताएं मतलब बताएं बताते रहेंगे तो घंटों निकल जाएंगे, बट यादें नहीं कंप्लीट होंगी। ये देखिए, ये जहाँ पे ताला लगा है ये हमारे नाना की दुकान हुआ करती थी, अब तो ताई भैया इस यहाँ पे दुकान खोल ली है, ये हमारे नानी का घर है। अम्मा आशीर्वाद दो। फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और देखो हम चाबी कहाँ गाड़ी खाया हमारे पास जा रहे हैं, ये हमारी नानी का घर है, ये अभी चलते हैं, अभी एक जगह और रुकना है। बेटे उदाई हैं हमारी जो गांव की हैं, बट उनका मायका यहीं पे है तो वो अब यहीं रहती हैं, वहाँ पे जाएंगे, फिर अंशु शिवांशु को, मौसी को, आंटी जी को लेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग, मिलते हैं अभी आप लोग। फाइनली गाइस आ गए हम लोग यहाँ पे बेटे उदाई से मिलने, चलते हैं अंदर बेटे उदाई से मिलते हैं। हमारी दाई के साथ प्रॉब्लम ये, वो काफ़ी एजेड हो गई हैं तो बोल नहीं पाती, उनकी आवाज़ नहीं निकलती, मतलब वो बोलती अपने आप में सही हैं बट आवाज़ एकदम वो हो जाती है, निकल नहीं पाती साफ सुथरी। आ गए अंदर फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब आगे शिवांशु वेट कर रहा है, तो शिवांशु से आगे शिवांशु अंशु आंटी जी से सब लोग हैं, बस वहाँ से मिल के अब हम लोग यहाँ से निकल लेंगे पहुँच जाएंगे। मिलते आगे। ये देखो ये है हमारे नानी के गांव का कुलवागढ़ का प्रसिद्ध मंदिर चंद्रिका मैया, चंद्रिका देवी, चलते हैं और दिखाते हैं। मतलब ये बहुत फेमस स्थान है यहाँ का, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग नानी के यहाँ आए और इस मंदिर में आए। ये हम लोग पहुँच गए हैं चंद्रिका मैया जी, ये देख लीजिए, और ये बहुत प्रसिद्ध है, ये इस एरिया में काफ़ी फेमस मंदिर है, और जैसे हमारे यहाँ हमारे गांव में काली जी का मंदिर है, वैसे इस गांव में चंद्रिका माता का मंदिर है, और बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। सब कुछ जनवरी ताला लग रही था, सुबह ताला खुलता है यहाँ पर, दिन में बंद रहता है, शाम को आरती का टाइम ताला खुलता है। इसकी ओनरशिप है सोनू मामा के अंडरशिप में, ओनरशिप में इनकी रही थी, ताले आने की चाबी उन्हीं के पास रहती, तो जब वही मामी लोग आती हैं तभी बोला जाता है, मामी नानी आती है बोला जाता है,
तभी यहाँ उनका श्रृंगार होता है पूरा, सब कुछ इनका कपड़े लत्ते मुकुट वगैरह इनका सब ओरिजिनल है, वो कर लेंगे सोने पर रहता है। ये अभी हाल ही में बन गया यहाँ पे शिव ये मंदिर, ये पहले से नहीं था, अभी हमें एरिया वाला मंदिर बनने 7-8 साल हो ही गई हैं। ये यहाँ का मंदिर अभी हाल ही में बन गया है, दिखाते हैं। ये रामनवमी के यहाँ पे फंक्शन हुआ था, फिर पल्ली वल्ली लगी हुई, पन्नी वन्नी लगी हुई। ये देखिए भोले बाबा जी, ये हनुमान जी महाराज, और ये राम दरबार, और ये परशुराम बाबा। देखिए यहाँ पे पर्सनल छोटा सा गांव है, पिद्दी सा है और इस कुलभगाड़ में इतने क्रिमिनल रहते हैं, हमारे मामा लोग इतने क्रिमिनल हैं कि उनकी वजह से यहाँ पे छोटे से गांव में अलग चौकी है, कुलभगाड़ चौकी अलग उन लोगों की वजह से बनाई गई है। ये देख लीजिए, मतलब यहाँ का उन्नाव जिला वैसे भी क्रिमिनल लोगों का जिला है, बट ये कुलभगाड़ा भी क्रिमिनल लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे, अब तो काफ़ी कम हो गया, नहीं तो पहले यहाँ पे लुटेरे डाकू मतलब जेन्युइन था, यहाँ पे आदमी दिन दहाड़े लूट लिया जाता। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। वो बुला रहा है नलायक, देख लो चिल्ला रहा है। ठीक है, मिलते हैं आगे। फाइनल गाइस, जब हम लोग यहाँ आधी दूर तक आ गए हैं, ये पहला स्टाप है जहाँ पे टूटा हुआ है, आगे सेकंड स्टाप है जहाँ पे ज़्यादा टूटा हुआ है, पहले स्टाप पे लोग आ गए, मिलते हैं आपको आगे। फाइनल गाइस, हम लोग सेकंड स्टाप में आ गए, मम्मी लोग अभी पीछे ही हैं आ रहे हैं, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं उनका, यहाँ पे आ गए। फाइनल गाइस, हम लोग बड़ा हार में रुके हुए हैं, बड़ा हार से शिवांशु मौसी को छोड़ने गया है शिवराजपुर। अब यहाँ पे राज स्वीट हाउस होटल है, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, शिवांशु का वेट करते हैं। रेस्टोरेंट टाइप का है, रेस्टोरेंट ही है टाइप का, क्या है रेस्टोरेंट है, खाएंगे पियेंगे, बाल की हालत पूरी तरीके से बच्चा हो रही है, हेलमेट लगाने के बाद बाल का तो क्या हाल होता है वो तो पता ही नहीं चलता। भाई साहब पंखा चला दे भाई, माते तुम काफ़ी अच्छा है छोटू। मम्मी बता, आंटी जी बता बे कहा पीछे बैठ के दो लड़का खा रहे हैं ना, यही तो खड़े रहे काउंटर में, तो हम इनका वेटर समझ लिया। बोला ये छोटू जरा दे, नाश्ते में नमकीन समोसे हैं, कोल्ड ड्रिंक है। अब शिवांशु भाई का वेट किया जा रहा है, वो भी आ जाए। समोसा चम्मच चम्मच से काम बहुत बढ़ जाए। कैसे समोसा आंटी जी? कल जब आंटी जी यहाँ पे रुकी थी मौसी के लिए तो स्मेल बाहर गई होगी, कल से आंटी जी ने कन्फर्म कर लिया था आज जब यहाँ आएंगे तो समोसे ज़रूर खाएंगे। मतलब ये प्लानिंग आज की नहीं, 24 घंटे पहले की है। कल इतने टाइम यहाँ पे आए थे जब मौसी को यहाँ से पिकअप किया था, यहाँ से आंटी जी की नाक देख रहे हो, नाक सुनने की कैपेबिलिटी देख रहे हो, बाहर खड़े होकर शीशा बंद फिर भी। ठीक है, मिलते खा के। ये मेरा लगते जिगर, लगते जिगर आ गया, एकदम बेकार निकल गया भाई, एकदम बेकार। ये जो एरिया है यहाँ पे फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जब जब निकलते हैं तो चॉकलेट की स्मेल बहुत अच्छी आती है, तो चॉकलेट की स्मेल ये बिस्किट बनते हैं, चॉकलेट बिस्किट बनते हैं, जो
की आती है कि मज़ा आ जाता है। और चॉकलेट से हमको एक लोग याद बहुत आने लगी, उनका फेवरेट था चॉकलेट, तो यहाँ से जब निकलो तो उनकी याद चॉकलेट दोनों साथ में। फाइनली गाइस घर पहुँच गए हैं, जस्ट अभी आए हैं। मम्मी ऊपर चली गई हैं, अपने रूम में आ गए हैं। बाल बाल की दजिया उड़ी पड़ी है, जाके नहाएंगे धुलेंगे फिर खा पी के सोएंगे। इतनी गजब नींद आएगी क्योंकि कल रात भी नहीं सोए, सारा दिन नहीं सोए, आज सुकून की नींद आ रही है। हाँ राधिका, हाँ ऊपर आ रहे हैं, राधिका मैं बुला रही हूँ, ऊपर आओ। ठीक है गाइस, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा, इन्जॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।